सुनो इनका होया क्या एक मिनट में तो जो अब तक इन्होंने लिखवाया है ना स्टेटमेंट भी देनी चाहिए फिर किसको आपने जो लिखवाया एक बार आप पता तो करो या क्या उसी के मुताबिक कह रहे हैं लग रहे कितना बजे जान लग रहे हैं तब लाके लेंगे एक मिनट यार माल की बात है देखो एक मिनट सर जी रात इसको ये जो पूरी जी इसी को आप रात की बात सुन रहे हैं ना सर आप एक मिनट बात तो सुनो ये रात की बात है ये तो मरीज ने ठा के लिया ही आप भी मरीज ने था फिर रात पता क्या था जिस टाइम किसी ने पता क्या हुआ फिर वही बात तो बता रहे वो लड़के ने वो बता दिया वो बात की बात जो कुछ बता रहे इस तरह करके लड़के को गोली मार दे तो हम फौरन यहाँ पहुंचे निसंग पहुंचे निसंग से लेकर के यहाँ आ गए हम करनाल पे और यहाँ आकर के पता लगा कि उन्हें घर से दो आदमी बुला के ले आए जो उसके चाचे का लड़का है जी चरणा जी और एक कोई पम्मी नाम का लड़का है वो दो आदमी मोटरसाइकिल पे आए हैं जी उनके साथ वहाँ और उन्हीं के सामने उसको उसके परिवार ने मारा पिटा हवाई की जी उसके गोली मारी गई सरेआम मार करके घर मार कर पटड़ी पे घेर दिया गया आदमी जा रहे थे उसमें इसकी अजीत नाम के लड़के से कहा सुनी होगी थी तो उसी कहा सुनी को लेके शाम के टाइम जब अपना ये गोल्डी अपने खेतों की तरफ जा रहा था तो अजीत ने इसको पिस्तौल से गोली मार दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग और एक बुरी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है क्योंकि निसिंग के पास का गोंदर गांव गोलियों से गूंज उठता है और एक 26 साल के लड़के को मौत के घाट उतार दिया जाता है। मृतक का नाम गोल्डी बताया जा रहा है और आपसी कहासुनी का मामला है। क्या कुछ कहना है परिवार वालों का, पुलिस का, इस पूरे मामले में उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। रात की बात है ये तो मरीज ने ठा के लिया ही आप भी मरीज ने था फिर रात पता क्या था जिस टाइम किसी ने पता क्या हुआ फिर वही बात तो बता रहे लड़के ने वो बता दिया जो कुछ बता रहे हैं आपने सर फिर वहाँ तो पूरे इरादे से मारा जी चार पांच घर से बुला के लेके उसके बाद कितने इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अभी तो मान लो जो अमित ने बयान दिया है मैं तो वो वही बोल रहा हूँ वो तो जी रात जी सर अमित को तो मौके पे तो नजर नहीं आ रहे जो से ना बोले तुम्हारे बताण ला ही रहे हैं तो ऐड करो जी आप जो से नाम बताण ला ही रहे हैं मैं ऐड कर लो सुनो लिख रहा है तो आप देख सकते हैं कि परिवार के जो तमाम सदस्य हैं वो और नाम लिखवाते हुए नजर आ रहे हैं जो इस मामले में आरोपी हैं। पहले अजीत का नाम लिखवाया गया था लेकिन और भी तमाम आरोपी परिवार वालों की तरफ से इस मामले में बताए गए हैं और फिलहाल जो पुलिस के सामने वो अपने बयान दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जानकारी आपको मिली थी आप कहाँ से पहुँचे? मैं शाम को 7:30 बजे 7:45 बजे के करीब मेरे पास फोन गया जी, मेरा लड़का एक का साला है ये जी, और हमारे पास फोन गया कि भी इस तरह करके लड़के को गोली मार दे। तो हम फौरन यहाँ पहुँचे निसंग से लेकर के यहाँ आ गए जी हम करनाल पे और यहाँ आकर के पता लगा कि उन्हें घर से दो आदमी बुला के ले आए जो उसके चाचे का लड़का है जी चरणा जी और एक कोई पम्मी नाम का लड़का है वो दो आदमी मोटरसाइकिल पे आए हैं जी उनके साथ वहाँ और उन्हीं के सामने
उसको उसके परिवार ने मारा पिटा, हवाई की जी उसके गोली मारी गई, सरेआम मार करके गर्म मारकर पटड़ी पे घेर दिया गया जी। आधा पौना घंटे तक किसी ने कोई उसकी मतलब पता दिया, हमारे पास आधा घंटे के बाद फोन जाता है मेरे दूसरे रिश्तेदार के पास, लड़के के पास, कि भाई आपके आदमी का गोली लगी पड़ी है वहाँ, उठा लो उसको। तो जी जब वो लड़के का भाई बड़ा जी खेत से आता है, आते वक्त उसने दिखता है कि वहाँ वो खून से लथपथ पड़ा है, सांस कोई कोई सांस उखड़ लग रहा था जी। तो उसको उठा करके वो यहाँ निसंग तक लेके आया, निसंग से हम यहाँ लेके आए। शादी में क्या हुआ था? शादी में कोई बात नहीं हुई सर, सिर्फ ये बात भाई कोई सीट ने लेके आपस में क्या सुनी हुई है, बैठे खाते होंगे बच्चे थे जी, मस्ती कर रहे होंगे, तो बैठे उनकी सिर्फ क्या सुनी हुई है। वहाँ कोई गांव के बुजुर्ग आदमियों ने उनको अलग अलग कर दिया और समझा दिया, दोनों को आपस में बैठ के बात करा दे भैया आइंदा नहीं लड़ना, तो ये बात हुई है सिर्फ, ना कोई आता गांव में कोई रंजिश नहीं है सर मैडम, कोई लेना देना नहीं है, कोई कोई झगड़ा नहीं है। वो लड़का बदमाश किस्म का है जी। क्या नाम है उसका? अजीत उर्फ जीत नाम है जी। आपने कितने आरोपियों के खिलाफ मामला? अब 6 आदमियों के नाम लिए उसमें। जो मारा पीटा गया है वो नहर पर मारा गया है, उनके घर के बाहर? पहले घर, बिल्कुल घर के आगे जी, वहीं गोली मारी गई है घर के आगे जी। उसका और उसके चाचे का घर है जी नजदीकी, वहीं गोली मारी गई है, वहीं उसको मतलब पीटा गया है पूरे परिवार के साथ करके जी। उसके पिताजी भी हैं, उसका चाचा है जी एक संजय, एक चरणा है उसके चाचे का लड़का है जी, एक लड़का और है, दो नाम और हैं, मतलब 6 क्योंकि है उन्हें, और वो 6 ही आदमी मौके पे उन्हें मारा और वो बुला के लाए हैं जी घर से। फोन भी किया है जी, उसकी कॉल डिटेल लिख सकते हैं जी उनके, फोन करके बाहर बुलाया जी। लड़का शादी में से आया था निसंग से और घर था जी, घर से फोन करके बाहर बुलाया और बाहर बुला करके दो लड़के उन्हें मोटरसाइकिल पर बिठा के उसके घर लेके गया जी। जब मामला सुलझ गया था तो ये कोई, करने की जरूरत कोई बात ही नहीं थी सर, उसको भी यही कहा भी आपस में बैठ के बातचीत करेंगे, कोई बात नहीं थी, कोई मतलब वही जिम्मेदार आदमी ने वही मिटा दिया था जी उनका, भी बच्चे झगड़ पड़े आपस में, बोला चाली हुई है, कोई हाथापाई नहीं हुई, कोई नहीं। क्या मांग करते हैं बाप? हम सर प्रशासन से मांग करते हैं कि इनको ज्यादा से ज्यादा सजा दे और ऐसे घिनौने अपराधी को बाहर घूमने की इजाजत ना। कोई और मामले भी? गोल्डी को अकेले ने गोली मारी है और भी आरोपी हैं? गोल्डी के 6 उसके साथ अजीत के साथ 6 आदमी हैं जी। कोई पहले भी मामले दर्ज हैं इसके खिलाफ? आप बता रहे हैं जी, एक पुलिस वाले की इसने टांग भी तोड़ी है और एक दो मुकदमा दर्ज और भी है इसके। अवैध हथियार वगैरह? अवैध हथियार ही थे सर, जो हवाई फायरिंग भी किया गाँव के अंदर सरेआम जी उन्होंने, और सरेआम उसी अवैध हथियार के साथ गोली मारी गई। कितनी गोलियां? एक मेरा नाम नरेंद्र सिंह है, गांव बाता से हूं मैं, लड़के का मौसा लगता। गोल्डी की उम्र कितनी है? आदमी जा रहे थे उसमें, इसकी अजीत नाम के लड़के से कहा सुनी हो गई, तो उसी कहा सुनी को लेके शाम के टाइम जब अपना ये गोल्डी अपने खेतों की तरफ जा रहा था तो अजीत ने इसको पिस्तौल से गोली मार दी इसको, तो इसको घर से बुला कर ले गया जी। नहीं, ये तो आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस बात की। कितनी गोलियां लगी हैं? तो एक ही गोली के सामने आई है, बाकी पोस्टमार्टम हो जाएगा, उसमें बात क्लियर हो जाएगी। तो ब्याह शादी की रंजिश है या कोई पुरानी कोई लेन देन की रंजिश थी? कुछ प्रथम जांच में क्या जो इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया उसमें तो यही है, कल दिन में कहा सुनी हुई थी शादी में थोड़ी बहुत ही कहा सुनी हुई जी। ये भी बात सामने आ रही है, अपराधी किस्म का लड़का है जिसने गोली मारी अजीत, उसके बारे कर रहे हैं पता, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड देख रहे हैं। इसकी मौत कहाँ पर हुई है? इसकी इलाज के दौरान कल्पना चावला मेडिकल। आज आपको क्या कार्रवाई की जा रही है? पोस्टमार्टम कर रहे हैं, कुछ टीमें रेड पे भी गई हुई हैं उसको। कितने हत्या का मामला दर्ज कर लिया? हाँ, हत्या का मामला। कितने आरोपी हैं इस मामले? अभी एक ही कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसको। आज पोस्टमार्टम होगा? हाँ, अभी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। गोल्डी नाम के एक युवक की हत्या कर दी जाती है, घर से बुलाया जाता है, ऐसा
परिवार वालों का आरोप है, जो आरोपी है उसके चाचा का लड़का बुलाने आता है, यानी कि जो आरोप लगाया गया है वो तकरीबन 5 से 6 लोगों पर लगाया गया है। गोल्डी से के साथ पहले मारपीट की जाती है जो आरोपी का घर है उसके बाहर, और हवाई फायरिंग होती है, उसके बाद उसके शरीर पर गोली मारी जाती है और मौत के घाट उतारने के बाद उसे नहर के पास फेंक दिया जाता है। तड़प रहा था गोल्डी, गांव का ही कोई सदस्य है, परिवार को जानकारी देता है, और जब परिवार को जानकारी दी जाती है तो फिर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है जहां पर इलाज के दौरान गोल्डी दम तोड़ देता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, 302 के तहत मामला दर्ज हो गया है, परिवार ने कई और भी गंभीर आरोप लगाए हैं, जो आरोपी है उस पर देखना यह होगा कि पुलिस पूरे मामले की कब तक जो है अच्छे से जांच पड़ताल करती है और आरोपियों को गिरफ्तार करती है, क्योंकि शादी में लड़ाई झगड़ा कहा सुनी होती है और कहा सुनी के बाद समझौता हो जाता है, लेकिन उसके बाद फोन करके गोल्डी को बुलाया जाता है और मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पूरा मामला गोंदर गाँव का बताया जा रहा है और फिलहाल परिवार में मातम का माहौल है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।